फ्रेंड्स, वेलकम टू सैयद ईएच ऑल इन वन क्लासेस। सो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है डायग्नोसिस के बारे में। तो चैप्टर 23, उसके बाद हमारा दो चैप्टर्स बढ़ जाते हैं, चैप्टर 24, चैप्टर 25। ठीक है, एक है ड्यूटीज ऑफ फिजिशियन और एक है हमारा टाइप्स ऑफ डिसीजेस के बारे में। ठीक है, दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। देख दे इसके बारे में जानेंगे। डायग्नोसिस जो है ये पहला कदम होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। कि आप अगर इस चीज को कर सकेंगे, डायग्नोसिस को, ठीक है। अब डायग्नोसिस एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का हम लोग दो से तीन तरीके से करते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़े लोगों को कामयाबी मिलती है, थोड़े लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। बहरहाल एज ए डॉक्टर हमें पहले देखना है पेशेंट आने के साथ ही उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में या तो ब्लड हो सकता है, सेंग्वाइन हो सकता है, या फिर लिम्फैटिक हो सकता है। पहला काम ये है आपका। सेकंड काम, कॉन्स्टिट्यूशन देखने के साथ ही कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हुआ है, इफेक्टेड, ठीक है। थर्ड काम आपका क्या है, ये ऑर्गन इफेक्टेड होने के बाद वो लोकलाइज्ड है या फिर जनरलाइज्ड है, ठीक है, ये थर्ड थिंग है। फोर्थ थिंग, पेशेंट आने के बाद आपको इतनी चीजें देखना है, इसके सिम्टम्स, सिम्टम्स जो है लोकलाइज्ड के सिम्टम्स है या जनरलाइज के सिम्टम्स, ठीक है। क्या ये हो गया, फिफ्थ फोर्थ नंबर पे आता है सिम्टम्स, ठीक है। और उसकी फिफ्थ चीज है हमें कि डायग्नोसिस, इसके बेस पे हम हमारा डायग्नोसिस बना। एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारा जो पैटर्न ऑफ ट्रीटमेंट है अक्सर वो ये है कि हम पहले पेशेंट आता है तो हम सिम्टम्स नोट डाउन करते हैं, पहली चीज। उसके बाद इसके बेस पे हम डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। अब डायग्नोसिस ये हमारा आजकल का मेथड है, सिम्टम्स करते हैं फिर उसके बाद पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी हमें कब मालूम होता है कि लोकलाइज्ड में नहीं बल्कि जनरलाइज्ड कंडीशन में पैथोलॉजी हमें हेल्पफुल होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन, क्योंकि अब यहां से डिसीज आपके दूसरे ऑर्गन्स में, दूसरे बॉडी के पार्ट्स में फैल गई, ठीक है, इससे आपको अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये सब चीजें हमें देखना है, पांच चीजें। उसके बाद छठवीं चीज आती है हमें जो देखने की है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। ठीक है, सेवेंथ नंबर, रेमेडी जो सेलेक्ट किया आपको उसके उसके पास, इसमें आपको स्ट्रक्चरल हो सकती है या फंक्शनल हो सकती है, उसका भी ध्यान रखना है। फिर उसके साथ सपोर्टिव रेमेडीज, उसके बाद नाइन्थ नंबर पे आता है आपको सिम्टोमेटिक जो है उसको भी आपको ध्यान रखते हुए ट्रीट करना, क्योंकि देखिए एक है हमें उसूल से चलना है, हमारी जो थ्योरीज को उसको भी सामने रखना है, लेकिन आजकल के टाइम पीरियड में अगर मैं उसूल से चलूंगा तो मैं पेशेंट को ठीक नहीं कर पाऊंगा, तो पेशेंट आपका चले जाएगा कहीं और। तो सबसे पहला हमें पेशेंट को डायग्नोज भी करना है, सही मेडिसिन भी देना है, ठीक है, और सिलेक्शन ऑफ रेमेडी करना है, चाहे फंक्शनल भी जरूरत पड़ सकती है, स्ट्रक्चरल की भी जरूरत पड़ सकती है, इसमें सपोर्टिव भी जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल सिम्टम्स को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। फिर टेंथ नंबर पे आपको
डोज सेलेक्ट करना, सॉरी डाइल्यूजन, इलेवेंथ नंबर पे डोज। फिर आपको इस डोल्यूशन को और डोज को आपको 12 नंबर पे उसको कम करते हुए भी आना है, बढ़ा अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लाना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव में लेके जाना है। तो ये 12 बाण अगर आपको आ गए तो आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जीत जाओगे। ठीक है, तो ये 12 बाण आपको मालूम करना है, मालूम करके आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आगे बढ़ना है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए जैसा ये पेशेंट आपके पास आया, तो सब सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आप मालूम करेंगे, चाहे वो सेंग्वाइन हो, चाहे वो लिम्फैटिक हो, चाहे मिक्सड हो। फिर मिक्सड में आपको क्या मिलेंगे, बाइलियस मिलेगा और नर्वस मिलेगा, क्योंकि इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा ना, कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। ठीक है, ये आपको मिलेंगे। फिर आपको देखना है कि भाई आप पेशेंट ने कहा मुझे स्टमक में पेन होता या फिर हेडेक होता है। ठीक है, हेडेक होता है तो आपको एक ऑर्गन तो मिल गया ना, कहाँ पे प्रॉब्लम है। अब जब आप इसकी हिस्ट्री लेंगे कि स्टमक प्रॉब्लम या हेडेक है, तो उसकी रूट कॉज मालूम करना जरूरी है। आप रूट कॉज पे जाइए कि हेडेक हो रहा तो क्यों हो रहा है, पूरी हिस्ट्री लीजिए उससे, खाने से लेके सोने तक पूरा मालूम करिए उससे। ठीक है, अब यहां से हेडेक से प्रॉब्लम, अब वो पेशेंट बोल रहा है मुझे सर में दर्द के साथ साथ ये हाथ भी खींचता है, ये दोनों हाथें भी बगल में खींचते हैं, तो अब सर में दर्द भी हो रहा है, दोनों हाथ भी खींच रहे हैं, तो आपकी नजर जाना चाहिए सर्वाइकल रीजन पे, यहाँ पे कुछ हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अब देखिए सर्वाइकल रीजन में कंप्रेशन हो रहा है तो आप इस पेशेंट को किस में लेके जाएंगे, नर्वस पे लेके जाएंगे, बाइलियस में लेके जाएंगे, सेंगवाइन में लेके जाएंगे, लिम्फैटिक में लेके जाएंगे। तो ये आपको और करना, फिर अब सिम्टम्स क्या है इसको नोट डाउन करना है, फिर आपको 5th नंबर पे डायग्नोसिस करना है इसको। अब क्या डायग्नोसिस करेंगे, आपने डायग्नोसिस किया सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ड्यू टू द इम्बैलेंस ऑफ नर्वस टेम्पायरमेंट, क्योंकि रगों का ज्यादा ताल्लुक नर्वस से है, तो पेशेंट के नर्वस टेम्पायरमेंट में गड़बड़ी होने की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होगी। इसने ज्यादा स्ट्रेस दिया नर्वस को कि वो ज्यादा काम करे, तो इस वजह से यहाँ पे इफेक्शन हुआ। ठीक है, अब आइए 5th नंबर हो गया हमारा 6th नंबर, अब सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज। तो इसमें मेन भूमिका जो है नर्वस में क्या है वो देखिए, तो मैं तो कहूंगा F1 लीजिए, आप F1 को इस्तेमाल कराइए नर्वस। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शन, अब देखिए पेशेंट को क्या है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है फंक्शनल है। ठीक है, इसमें अगर जरूरत पड़े तो S5 S3 C5 C3 की भी जरूरत पड़ सकती है। सपोर्टिव रेमेडीज आप देना चाहिए F1 के साथ साथ F2 एक्सटर्नल अप्लाई के लिए दीजिए, F2 WE, S1 की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये सब देखिए आप सर्वाइकल में आपको क्या है, सिर्फ अब देखिए सर्वाइकल में देखिए आपको पहले स्किन मिलता है, पहले नंबर पे स्किन हो गया, दूसरे नंबर पे आपको फेशिया हो, तीसरे नंबर पे मजल, चौथे नंबर पे आपको बोन, बोन के अंदर आपको नर्व्स, नर्व्स इफेक्टेड है या बोन इफेक्टेड है या मजल इफेक्टेड है या फिर फेशिया इफेक्टेड है या स्किन इफेक्टेड है, 1 2 3 4 5, ये 5 में से ये 5ों के 5 इफेक्टेड है। तो अब ये 5ों के 5 इफेक्टेड है तो आपको 5ों को 5 रिकवरी करना है, आप तो जब ही तो जाके पेशेंट को आराम मिलेगा। तो पहले सिम्टम्स को कम करने के लिए आप फौरन तुरंत कोई ऐसी मेडिसिन दीजिए जिससे पेशेंट को आराम मिले, फिर आप उसको क्या करिए, फिर डिक्रीज करने की कोशिश करिए सिम्टम्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेमेडीज कम करते हुए पेशेंट को बताइए।
कि भाई ये प्रॉब्लम लंबा चलेगा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इसको, इसको कंटिन्यू क्यूर होने के लिए कंटिन्यू ट्रीटमेंट लीजिए आप 3 मंथ से, 4 मंथ से, 6 मंथ तक। ठीक है, तो इतने सारी चीजें होती है डायग्नोसिस से पहले डायग्नोसिस के बाद। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ, चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जानिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी चीज़ है हम बिना मेहनत के हमें मिल गई। ठीक है दोस्तों, और इसकी कदर करिए, इस पे प्रैक्टिस करिए और पहले पढ़िए, अच्छा नॉलेज हासिल करिए। और सबसे पहले आप जब स्टडी करेंगे अच्छे से, स्टडी के बाद आप कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस के बाद आप सही ट्रीटमेंट कर पाओगे। तो तीनों एक दूसरे के सर्किल में है, स्टडी, ट्रीटमेंट, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, स्टडी, ट्रीटमेंट, तो एक दूसरे से घुसते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा, आपको एक नाम, नेम या फेम, रिस्पेक्ट, वॉट एवर मे बी। और सबसे जब स्टडी करेंगे तो आप एक थिंग में स्पेशलाइजेशन करिए, एक ही ऑर्गन को लीजिए जो मेरी क्लासेस से नहीं जुड़े हुए उनकी बात करूं, जो जुड़े हुए वो तो पढ़ रहे हैं, उसकी एनाटॉमी पढ़िए, उसकी फिजियोलॉजी पढ़िए, उसकी पैथोलॉजी पढ़िए, उसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़िए। ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। फिर आखिर में बारी आती है, इसको रिलेट करिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी से, को रिलेट करिए इसके प्लांट्स। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा आपको। ठीक है, सब चीजें जब आप इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी, बायोकेमिस्ट्री, मैं बायोकेमिस्ट्री से बोल रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री समझना है, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री दोनों एक कॉम्बाइंड है एक दूसरे के, ये समझ में आएगा तो आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मेडिसिन कैसा काम कर रही मालूम होगा, एंजाइम्स के लेवल पे या मॉलिक्यूल के लेवल पे कैसा काम कर रही है आपको मालूम होगा। ठीक है, और पैथोलॉजी अगर समझेंगे तो डिसीज आने के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं समझ। अब पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि जब 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 डिसीज जनरलाइज से लोकलाइज हो जाएगी तो वहां पे माइक्रोबायोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए इस चीज को पढ़िए और समझो। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज की क्लास में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। फिर हम कल ड्यूटीज ऑफ फिजिशियन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।